असलम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल क्या हाल चाल है आप सबके? I आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और इस ब्लॉग का इंतज़ार सभी लोगों को था आज है वेडिंग डे तो हम सब जा रहे हैं शादी पे आ, शादी के लिए मैंने जो कपड़े निकाले हैं वो आपके सामने है अली पहनेंगे सूट और मुझे कोई शर्ट समझ नहीं आ रही थी क्योंकि ब्लू कलर का उनका सूट था फिर मैंने सोचा कि वही सेम शर्ट जो है वो आयरन कर देती हूँ क्योंकि वो मैच हो रही है और अच्छी भी लगेगी Um, क्योंकि इनके पास सारे कपड़े ना डार्क कलर के हैं इवन शर्ट्स टी शर्ट्स सब डार्क कलर की हैं और कोई मुझे लाइट कलर नहीं नज़र आ रहा था और अब मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और फिर आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह का ड्रेस पहना है बाय द वे ये ड्रेस मैंने शीन से ऑर्डर किया था जो कि बहुत अच्छे प्राइस में मिला था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था अब आप सोच रहे होंगे कि शादी है और मैंने ये वेस्टर्न स्टाइल का ड्रेस क्यों पहन लिया है एक्चुअली शादी जो है वो अरबिक स्टाइल है और जिनकी शादी है वो अरबिक ही हैं तो इसी वो लोग अपनी शादियों में ड्रेसज़ वग़ैरह ही पहनते हैं तो मैंने कहा मैं भी कोई अच्छा सा सिंपल सा ड्रेस निकाल कर पहन लेती हूँ जो पहन कर बहुत अच्छा लगे बाल जो है वो मैंने स्ट्रेट करके हाई पोनीटेल बना ली थी आगे से मैंने जो है वो थोड़ा सा पफ वगैरह बना लिया था तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे एयर मैंने बड़े राउंड हुप पहने थे सिल्वर कलर के आज नीचे जो है वो मूवी नाइट भी चल रही थी तो मैंने कहा चलो मूवी छोड़ो हम शादी में जाते हैं शादियाँ कौन सी रोज़ रोज़ आती हैं तो अभी मैं हुब्स की जो पिक्चर है वो मैं साइड पे लगा दूंगी कि इस स्टाइल के मैंने पहने थे और ये सब कुछ मैंने शीन से ऑर्डर किया था बहुत ही अच्छे प्राइस में शीन से चीज़ें मिल जाती हैं और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है फ़िटिंग भी बहुत अच्छी थी तो हमें इनविटेशन था सात बजे का लेकिन हम लेट हो गए थे हमेशा की तरह क्योंकि अली का मूड नहीं हो रहा था तो बड़ी मुश्किल से उनका मैंने मूड बनाया कि भाई चलो मैं रेडी हो चुकी हूँ और फिर फाइनली वो उठे क्योंकि शादी उनके दोस्त की थी तो उन्होंने कहा जाना ज़रूरी है और मैं भी रेडी थी बच्चे भी रेडी थे तो बस फिर हम जल्दी से पहुँच गए और जैसे ही हम पहुँचे तो पाँच दस मिनट में ही खाना जो है वो लग चुका था मतलब हम पूरे पूरे टाइम पर ही पहुँचे थे क्योंकि जो सारा फंक्शन था इनका वो खाने के बाद ही स्टार्ट हुआ था तो खाना में सारा जो है मेडिटेरेनियन फूड था जो कि मेरा फेवरेट है स्पाइसी uh, भी नहीं होता और बहुत टेस्टी होता है मुझे इनका खाना बहुत अच्छा लगता है स्पेशली जो इनकी ग्रिल हेलपीना पेपर्स और अनियंस uh, होते हैं वो मेरे फेवरेट हैं और साथ में जो गार्लिक सॉस होती है ना उनके साथ इनके जो कबाब्स होते हैं उसका मज़ा ही कुछ और होता है तो मैंने जल्दी से अपनी प्लेट जो है वो बना ली थी साथ में स्टार्टर्स वग़ैरह भी थे तो काफ़ी अच्छा खाना था क्योंकि मुझे अच्छा लगता है तो मेरा तो फेवरेट था एक चीज़ की कमी थी हॉट सॉस की अगर हॉट सॉस होती तो और भी मज़ा आ जाता क्योंकि जो बहुत ज़्यादा फीका खाना होता है ना उसको खाने का हॉट सॉस के साथ बहुत मज़ा आता है शादी जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी बहुत पुराने पुराने दोस्त जो हैं वो देखने को मिले क्योंकि हमने मॉल में एक साथ ही काम किया था दूसरे दूसरे वो लोग अपने कार्ड्स वगैरह में हुआ करते थे लेकिन बातचीत जो है वो सबसे ही रहती थी मॉल में तो बस बहुत पुराना टाइम जो है वो याद आ जाता है जब आप काफ़ी पुराने लोगों को जो है वो अपने अराउंड देखते हैं तो यहाँ पर फंक्शन जो है वो अब स्टार्ट हो चुका है तो अब आप लोग इन्जॉय करें मुझे तो बहुत मज़ा आया था इन लोगों की शादी में मतलब इतनी अच्छी से ये लोग सबको ट्रीट करते हैं हालांकि मैं लड़की के साइड वालों को तो जानती भी नहीं थी वो सबकी टेबल पे जा कर जो है वो ऑफ़र कर रही थी खाने का और बहुत बहुत इज्जत दी लाइक बहुत अच्छा लगा और इस तरह की शादी देख ना तो मुझे पाकिस्तान की शादी याद आ गई थी मतलब जिस तरह से ये ढोल वाले आए थे और म्यूज़िक के साथ साथ ढोल बज रहा था लाइक बहुत बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने लाइक काफ़ी टाइम बाद इस तरह की शादी जो है वो इंजॉय करी मतलब मेरे भाई की शादी के बाद अब मैंने जो है वो शादी इन्जॉय करी थी लास्ट टाइम भाई की शादी में मैं पाकिस्तान गई थी टू में और वही आखिरी शादी मैंने अटेंड और सबकी टेबल्स पे इस तरह से छोटे छोटे जो है वो बॉक्सेस रखे हुए थे मैंने कहा बॉक्सेस तो काम आ जाएंगे किसी को भी गिफ्ट देने में बहुत क्यूट से लग रहे थे और इसके अंदर जो थी वो छोटी सी एक चॉकलेट का पीस था आ, हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में निकाह के बाद जो है वो आ, बिद वगैरह दी जाती है जिसमें खजूरें वगैरह होती हैं मुझे लगता है सारे कल्चर्स जो हैं उनका ऑलमोस्ट सेम ही स्टाइल होता है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट लोगों के तरीके होते हैं देने के तो बस ये लोग तो थक नहीं रहे थे डांस कर करके हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि बच्चे भी हमारे साथ थे तो बस इनकी हमने केक सड़ में नहीं करी थोड़ा बहुत केक खाया उसके बाद हम लोग घर आ गए थे तकरीबन ग्यारह बज चुके थे हमें तो ज़रूर बताइएगा आप लोगों को शादी कैसी लगी कुछ डिफरेंट सा देखने को मिला होगा आजकल तो हर शादियाँ इसी टाइप की होती हैं कपल डांस उसके बाद सब मिलकर एक साथ भंगड़ा वंगड़ा करते हैं वो पाकिस्तान की शादियाँ पाकिस्तान की शादी के बाद अलग है लेकिन यहाँ की शादी अटेंड करके मुझे लग रहा था कि मैंने बिल्कुल सेम टू सेम उसी टाइप की शादी इंजॉय करी तो अब ये नेक्स्ट डे का क्लिप है आ, मैं आ गई थी अपनी सेम रूटीन पे ग्रोसरी करने के लिए आज अली ने जो है वो काम पर नहीं जाना था तो मैंने सोचा कि मैं आज जाकर अपने लिए ग्रोसरी ले आती हूँ मेरे पास जो है वो घर की बेसिक जो वेजिटेबल्स होती हैं वो ख़त्म हुई हुई थी कुछ फ्रूट्स नहीं थे तो बस वही लेने थे बच्चों के स्नैक्स वगैरह भी ख़त्म हुए हुए थे तो मैंने कहा चलो मैं ही चली जाती हूँ और चीज़ें लेकर आ जाती हूँ वैसे घर में ना अब तीन चार दिन से प्याज और धनिया और हरी मिर्ची ख़त्म हुई हुई हैं मेन फोकस तो मेरा वही था कि मुझे मेन चीज़ तो यही उठानी है लेकिन जब आप जाते हैं ना ग्रोसरी स्टोर में तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी याद आ जाती कि यार ये भी ले लो ये भी ले लो फ्रूट्स भी ले लो और क्योंकि चलते फिरते जो है वो अगर मैं मेन खाना नहीं खा रही होती प्रॉपर तो मैं कोई बनाना खा लेती हूँ या फिर थोड़ा बहुत वाटरमेलन खा लेती हूँ तो मैं फ्रूट्स जो है अब मैंने खाना स्टार्ट कर दिए हैं पहले मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी और फिर मैंने सोचा कि कुछ बच्चों के स्नैक्स वगैरह भी ले लेती हूँ जब मैं वेजिटेबल सेक्शन में थी तो मुझे वहाँ पे लौकी नज़र आई तो मैंने कहा लौकी गोश्त बहुत अच्छा बनता है आ, लेकिन यहाँ पर जो है ना जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे गोश्त इतना कोई ख़ास नहीं मिलता है बहुत मुश्किलों से अच्छा गोश्त मिलता है फिर मैंने सोचा कि लौकी चिकन जो है वो फिर किसी दिन बनाएँगे लेकिन आज जो मेरा इरादा है वो है भिंडी चिकन बनाने का क्योंकि भिंडी जो है वो पिछले तीन हफ्तों से मैंने काट कर फ्रिज में जिब्लॉक के अंदर उठा कर रखी हुई है तो मैंने यही सोचा था कि घर जा कर जो है वो जल्दी से खाना चढ़ा दूँगी क्योंकि अली घर पर है तो कहीं ना कहीं बाहर जाना जो है वो फिर लगा ही रहेगा तो ये थी मेरी पूरी ग्रोसरीज जो मैंने आज करी हैं होपफुली मुझे दो तीन हफ़्ते आराम से निकल जाएंगे तो घर आते के साथ ही मैंने जो है वो जल्दी से भिंडी वगैरह निकाली क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे काम नहीं करना था और फटाफट से भिंडी चिकन बन जाता है पहले मैंने सोचा कि जो है वो भुनी हुई जो भिंडियाँ बनती है ना वो बना लेती हूँ फिर मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत चिकन रखी हुई है वो उसके छोटे छोटे पीस करके भिंडी में मिक्स करके बनाती हूँ बहुत मज़े के बनते हैं भिंडी मैं हमेशा फ़्राई करती हूँ ताकि उसकी लेस जो है वो निकल जाए कुछ लोग नहीं फ्राई करते हैं लेकिन मुझे फ़्राई करना अच्छा लगता है क्योंकि वो थोड़ी क्रिस्पी हो जाती है ना तो वो फिर और मज़ा देती हैं तो मैंने सोचा कि अब जल्दी से आपके साथ एक क्विक रेसिपी शेयर कर देती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी बहुत इजी और सिंपल है भिंडियों को मैंने फ्राई करके एक साइड में रख दिया है और सेम ऑयल में मैंने डाल दी है एक बड़े साइज़ की प्याज उसको मैंने आ, स्लाइस में कट कर, कर लिया है अब इसको मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है जस्ट हल्का हल्का सा हल्का हल्का सा जस्ट ब्राउन आ रहा हो तो इसके अंदर आपने फ़्रेश अदरक और लहसन का पेस्ट ऐड कर देना है और इसको भी हमने जल्दी जल्दी से मिक्स करना है साथ ही मैंने एक बड़ी साइज़ की हरी मिर्च काटी है तो हाफ़ मैंने अभी डाल दी है और हाफ़ जो है मैं एंड में काट के डाल दूँगी इस तरह से आपने भिंडी की शेप में छोटी छोटी जो है वो हरी मिर्चें कट करके कर डाली हैं क्योंकि भिंडियाँ जो है ना भिंडियों का को कोई टेस्ट नहीं होता है तो हरी मिर्चों से और मसालों से उसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का हो जाता है तो दो तीन मिनट मैंने अच्छी तरह से मिर्चों को और अदरक लहसन को प्याज में भूना और अब जो है वो इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे चिकन के पीसेस जो है वो हमेशा आप छोटे ही रखिएगा जब आप भिंडी के साथ बनाएं तभी वो अच्छी लगती हैं दिखने में अगर ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस होंगे ना तो इतनी भिंडियाँ जो है वो फिर नज़र नहीं आएंगी वो छुप जाएंगी क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा भिंडियाँ यूज़ भी नहीं कर रही हूँ मेरे पास जितनी थी वो उतनी ही इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि अगर ज़्यादा भिंडियाँ होती तो और अच्छा लगता इसको मैंने इतना पकाया कि चिकन का कलर चेंज हो जाए अब साथ ही मैं इसके अंदर एक बड़े साइज़ के टमाटर चॉप करके ऐड कर दूँगी इसको अब फिर से हम मिक्स कर लेंगे इसमें ना मसाला खड़ा ही रहता है ज़्यादा इसको आपने भूनना भुनाना नहीं है इसमें आ, मोटा मोटा ही मसाला रहता है अब इसके अंदर हम लोग मसाले ऐड कर देंगे सबसे पहले सॉल्ट टू टेस्ट चला जाएगा मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर ऐड कर दिया है और उसके बाद इसके अंदर जो बेसिक हमारे मसाले हैं ना वो जाएंगे हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून और गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून साथ ही इसमें जाएगा धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून और अब जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है मसाले में वो है शान का वेजिटेबल मसाला ये मेरा फेवरेट है आप जिस तरह की भी सब्ज़ी बनाएं उसके अंदर वन टेबल स्पून के बराबर शान का सब्ज़ी मसाला ज़रूर ऐड करें उससे फ़्लेवर जो है ना वो दस गुना अच्छा हो जाएगा आपके खाने का आपकी सब्ज़ी का उसमें जो खुशबू होती है वो बहुत मज़े की आती है मैं हमेशा आपको बताती हूँ अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दें जो भी मैंने मसाले बनाए हैं ना उसको थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिएगा अब हमने जो है वो एक चम्मच के बराबर मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब हमने इसको अच्छे से भूनना है सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं तो पाँच मिनट भूनने के बाद जो है वो अब मैं इसको लो फ्लेम पे ढक कर पकाऊँगी इसमें पानी नहीं ऐड करना है चिकन का और जो टमाटर का अपना ही पानी निकला है चिकन उसी में ही गल जाएगी अभी मैंने इसको तकरीबन पंद्रह मिनट लो फ्लेम पे पकाया चिकन अच्छे से गल गई साथ ही मैंने इसके अंदर भिंडी ऐड कर दी हैं और अब हमने बहुत हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है अब फ्लेम बिल्कुल आपने मीडियम रखनी है और साथ ही हमने इसके अंदर जो एक्स्ट्रा हरी मिर्चें काटी थी वो भी इसमें डाल देंगे और फिर इसके अंदर धनिया डालेंगे खूब सारा और फिर कवर करके तकरीबन हमने इसको पाँच मिनट पकाना है लो फ्लेम पे और इसके बाद भिंडी बिल्कुल रेडी हो जाएगी भिंडियाँ पकाने के बाद हम लोग मैंने आपको बोला था ना क्योंकि अली घर पर हैं तो घर पे दिल नहीं लगता उनका मौसम बहुत अच्छा था तो हमने सोचा कि चलो बीच पर जाते हैं जाकर जो जा है वो थोड़ी बहुत वॉक करते हैं अच्छी सी जो है वो ब्रीज लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम बाद इस बार हम बीच पे जा रहे हैं वैसे अक्सर मैं पहले जाती रहती थी आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बीच के व्लॉग्स शेयर करती थी लेकिन इस बार टाइम ही नहीं मिलता आ, मुझे लगता है कि लाइफ और रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है तो टाइम ही नहीं लगता बीच वगैरह पे जाने का आज हम लोगों ने इरादा किया कि खाना लेकर जाते हैं और बीच पे बैठ के जो है वो खाएंगे लेकिन जब हम बीच पे पहुंचे तो इतना ज़्यादा रश था तो मेरा दिल ही नहीं किया कि हम लोग जो है वो समंदर के किनारे बैठे हैं, फिर हम पेड़ पे आ गए थे वॉक करने के लिए यहाँ पर इतना ज़्यादा रश नहीं था सब लोग जो है वो पानी में नहाने में बिजी थे पेड़ जो है वो बहुत खाली था तो खैर पेड़ पे आने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं यहाँ से जो है वो फ़नल केक खाऊंगी स्पेशली यहाँ का फ़नल केक इतना मज़े का होता है ना उसके साथ जो लोग आइसक्रीम देते हैं स्ट्रॉबेरी वनीला मज़ा आ जाता है आइसक्रीम खाने का अच्छा लास्ट व्लॉग में काफ़ी लोगों को लग रहा था कि मेरी आवाज़ जो है वो बहुत ख़राब हो रही है और काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहे थे कि मेरी तबीयत ठीक है या नहीं है तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी कभी कभी होता है कि मैं जब रात को वॉइस ओवर कर रही होती ना तो मैं बहुत ज़्यादा नींद में होती तो मेरी आवाज़ भारी हो जाती है तो इसलिए आप लोगों को मेरी आवाज़ चेंज लग रही होती है और कभी ऐसा होता है कि जब मैं सोकर उठती हूँ ना सुबह सुबह तो मेरा पहला फ़ोकस होता है कि मैं जल्दी से वॉइस ओवर कर लूं और उस टाइम भी आपको पता है कि जब इंसान सोकर उठता है तो उसकी आवाज़ बिल्कुल चेंज हुई हुई होती है भारी भारी से हुई होती है तो इसीलिए लिए यही जो है वो प्रॉब्लम थी क्योंकि मेरे दो ही टाइमिंग है वॉइस ओवर करने के एक जो है वो रात को सोते टाइम और उसके बाद सुबह उठते टाइम तो रस्ते से हम लोग जो है वो वापसी पे नान लेते आ गए थे क्योंकि सालन तो मैंने रेडी किया हुआ था अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं घर जाकर जो है वो रोटियां बनाऊं हालांकि आटा मैं गूंध के ही गई थी तो मैंने सोचा कि जैसे ही घर जाएंगे सबको जो है वो खाना वगैरह खिला दूंगी और सबको खाना खिलाने के बाद अब बारी आती है मेरी तो मैंने कहा मैं सुकून से बैठ जो है वो अपना डिनर इंजॉय करती हूँ तो ये है मेरे डिनर की फ़ाइनल लुक और ज़रूर इस भिंडी चिकन को आपने ट्राई करना है आप लोग फ़ैन हो जाएंगे इतनी क्विक और इजी रेसिपी के अगर कभी आपका दिल ना करे खाना पकाने का और घर में कोई सब्ज़ी भी हो चिकन भी हो तो इसको मिक्स करके ज़रूर बनाएं और नान के साथ इसको इंजॉय करें वैसे तो घर की रोटी के साथ भी मज़ा आता है लेकिन नान के साथ तो इसका मज़ा दोबारा हो जाता है तो डिनर के बाद जो है वो मैंने आर्य बला को सुलाया उसके बाद अब मैं और आहा जो है वो अपनी मूवी इंजॉय करें अच्छा डिज्नी पे ही एक छोटी सी शॉर्ट मूवी आई हुई थी ईद के से रिलेटेड मुस्लिम कल्चर की मूवी थी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी मैंने कहा चलो आहत के साथ जो है वो आज ये वाली मूवी देखती हूँ काफ़ी हमें अच्छी लगी और उसको भी अच्छी लगी इंटरेस्टिंग मूवी थी आ, इसका नाम जो है वो मैं साइड में मैंशन कर दूँगी ताकि अगर आप में से किसी को देखनी हो तो देखिएगा यहाँ रही करीब अपने व्लॉग का एंड आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों ने इंजॉय किया होगा और रेसिपी भी अच्छी लगी होगी और शादी में आप लोगों ने इंजॉय किया होगा फिर मिलूंगी बहुत जल्द नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआओ में याद मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखूँगी शाउट आउट जो है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग से स्टार्ट करूँगी थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग बाय अल्लाह हाफिज़